हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। अगर फेसबुक ओपन करने के बाद आपको भी ये एरर मैसेज आ रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वही मैं बताऊँगा। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए, योर अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड शो हो रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वही मैं बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो फिर आपको करना क्या है, जो यहाँ पर जो हेयर का ऑप्शन है, हेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो फिर एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए, यूज दिस फॉर्म टू सबमिट एन अपील। तो फिर आपके भी अगर फेसबुक अकाउंट डिजेबल हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर अपील पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल जो अकाउंट जो डिजेबल हो गया है आपका, यहाँ पर आपको उस अकाउंट नंबर का जो लॉग इन ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर है यहाँ पे डाल देना है। तो फिर मैं भी डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आपका यहाँ पर जो फुल नेम है, फुल नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा। आपका जो नेम है वही डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं जस्ट दिखाने के लिए डाला, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है योर आईडी डालने के लिए बोल रहे हैं। तो फिर आपका अगर वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड है, या फिर आप अगर स्कूल में या फिर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी कार्ड आपके पास है गवर्नमेंट कॉलेज का, तो फिर वो भी चलेगा, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड डाल दीजिए। तो फिर मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर देख लीजिए, मेरा आईडी कार्ड मैं अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। तो फिर आप तीन आईडी कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास तीनों आईडी कार्ड है तो फिर आप तीनों आईडी कार्ड ही डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर घबराने का कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेंड बटन दिख रहा है, सेंड बटन पर आपको क्लिक करना है। सेंड बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा आप। तो फिर देख लीजिए, यहाँ पे शो हो रहा है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, वी मे रीच आउट टू यू इफ़ वी नीड मोर इन्फो। तो फिर फेसबुक आपके साथ संपर्क करेगा, आपको पास एक ईमेल भी भेज देंगे, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप ठीक ठीक आईडी डाले हो तो फिर आपका फेसबुक अकाउंट जो है ज़रूर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो फिर ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।